कैसे उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया हुए। तो हम आए थे अभी मंदिर से जन्माष्टमी का, हाँ तो मंदिर में प्रोग्राम था, तो आगे मैंने यूट्यूब चैनल खोला तो सपना की वीडियो आगे आई थी। सपना बहुत, देखो उस लेडीज ने क्या क्या नहीं साया, बहुत ज़्यादा कुछ साया है। इतना साया है कि देखो बेचारी के पहले वाला पति इसको इतना मारता था, इतना मारता था, कोई अंत नहीं है। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में हम डालेंगे बीच में। और उसने कुछ भी नहीं, उसने आगे आके कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। अब उसने बताने लग रही है भाई मेरे को मारता भी है, पीटता भी है। और दूसरी बात है, अब ये वाले हैं सासू ससुरे, ना तो इसके माँ बाप के साथ बोलते हैं, ना ही उनसे राम राम करते आते जब वो ब्लॉग में दिखाती भी है। और जिस तरह भी किसी लेडीज के साथ भी इस तरह हुआ तो आप क्या करोगे बताओ? जिस तरह उसने मारा है, पिटा है, किस वास्ते है भाई? एक लेडीज है जैद है, हैं, इसका पति जो पहले वाला तो था ही नहीं किसी काम का, अब ये वाला है बेचारा, वो जो सा था अच्छा था, वो बताना अपने मुँह से है भाई अच्छा था ये वाला, और ये वाला भगवान ने प्यारा हो गया है। तो वो किस लिए डटी हुई है? तुम्हारे लिए डटी हुई ना भाई, सास ससुर की सेवा कर दूँ, नहीं रहने जाने के तो वो चली जाती छोड़ छाड़ के, फिर क्यों नहीं जा रही? तुम्हारे लिए नहीं जा रही, सेवा सुवा करनी, आप सास ससुर रहेंगी। अरे जब सास ससुर तेरे एक होनी तो फिर क्या फायदा तरने उड़े रहने का? नू बता किस लिए रह रही है फिर, जब तुम इतने टोर्चर तरना करना ना रहे हैं, मारा ना रहे, पिटा ना रहे। जिस टाइम नू बताओ के नाम है दुनिया ने कमेंट करे है, दो पति खा गए, दो पति उसके हाथ में लिख रखी, उसने रेखा ही रख रखी थी भाई, दोनों पति उसके उसकी किस्मत में मरना लिख रखा है या छोड़ना लिख रखा है, हैं? वो तो भगवान के हाथ में है भाई मरना लिखना, उसने तो बेचारे ने कुछ कसूर नहीं कर रखा भाई, जो मरेगा वो लिखवा क्या होगा भाई, हाँ इतने टाइम तेरी मौत होनी है, ऐसे टाइम होगी। तो उसने टॉर्चर करने तो मतलब बल्कि दुनिया ने, और दूसरी बात है इसी होंगी तो बेचारी शादी नहीं करी थी, ठीक है, और उसने फिर भी बच्चा का तर देख कर शादी करनी पड़ी भाई। चलो छोड़ो उस बात ने, छोड़ो भाई उसने मारा पिटा था पहले वाला, ठीक है, अब ये वाला था उसने के पता नहीं था मेरा भाई मारा है, पिटा है, छेता है, सब कुछ करा है, फिर भी वो इस मारे क्यों टिकी फिर इस घर में? वो बताओ जब इतना मारे थे पिटे थे तो इस घर में टिकना नहीं था, क्यों अपना फिर भी चल टिक गई, फिर वो मर गया, मरे पीछे फिर इसने जिन नहीं देना मेरे सासू ससुरे, क्यों? क्योंकि ये छोरी है, दो लड़कियां इसका हो गई हैं, इब लड़कियां लेके जाओ तो जाओ कहाँ बेचारी, चल कमा का खा भी ले होगी तो इसने खान भी नहीं दे, मारेंगे पिटेंगे और उसने काम नहीं करने देंगे कुछ भी, तो इसमें बताओ उसे गुड़िया ना लेके जाओ तो जाओ कहाँ, गाय जाओ बताना भाई इसमें कहाँ जाएगी वो। कैसे उम्मीद करती हैं बहुत ही बढ़िया, कोई जय श्री श्याम। राधे राधे। मैंने कर दी है सारी सफाई, रसोई की भी क्लीन कर दी और अंदर के भी चद्दर चुद्दर बिछा दी है, रोटी मैंने बनाई नहीं अभी, नाश्ता नहीं बनाया है क्योंकि भूख नहीं थी चाय पीली। ये है बत्तियाँ, ये निकालनी पड़ेगी उसमें, नदी में तैरानी पड़ेगी सारी चीज़, तो ये निकाल के। और कानू जी क्या ड्रेस सिलेंगे, बहुत ही बढ़िया शानदार ड्रेस, कल बर्थडे है लड्डू गोपाल का, जन्माष्टमी, तो यहाँ पे सारी रसोई चकाचक हो चुकी है। और उनकी शक्ल में दिखाते नहीं क्योंकि उन्होंने शर्ट नहीं डाल रखी, हुए कर रहे हैं जुराबें अलग अलग साइड में कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने चादर सारी बिछा दी है, ठीक है, और अलमारी उन साफ बिल्कुल देख रही हूँ मैं, जो से मेरे कपड़े डालने वाले ठीक है नहीं तो जो से हैं पहले वाले वो सारे दे देंगे। भाई जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ करेले कटे हुए, देख लो मैंने करेले तड़ने लग रही हूँ अभी, तो उसके बाद डालूँगी प्याज, फिर आलू काटूँगी और हरी मिर्च बढ़िया वाली, ठीक है, पहले तो करेले तड़ लेते हैं। अरे रे लाल हो जाएंगे ना थोड़े थोड़े, उसके बाद निकाल लेंगे उनको, क्योंकि आजकल रख के ना ये छोटे छोटे हो जाते हैं इतनी देर में, बिटकी बिटकी से एक दिन रख दो ना तो करेले का रंग ही पता नहीं किसा हो जाए, तो करेले से कड़वे नहीं आते, पहले आया करते बहुत कड़वे क्योंकि बन ही नहीं सकें थे, तो आज वाड़े नहीं हैं करेले कड़वे। तो प्याज मैंने काट लिए, आलू छील लिए हैं और छिलक यहाँ रख देते हैं, बर्तन मैंने बांध दिए थे सारे, और यहाँ पे मुल्तानी भी है, मुल्तानी और फटकड़ी दोनों चीज़ मिक्स करके लगाएंगे। मैं आई थी आज संडे था, संडे था तो पार्क में आई थी क्योंकि यहाँ पे और एक गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीना पसीन देखो कैसे, अटल पार्क है यहाँ का करनाला का, उसमें आए थे और यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना पूछो मत, ठीक है, और भीड़ भी हो रही है अच्छे खासी। और अब जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बैठन जाना था बिल्कुल भी,
जो जॉगिंग वगैरह करते हैं उनको तो पसीना जरूरी है, और मैं आ रही हूँ साड़ी बांध के वैसे भी। ठीक है, देख सकते हो आप फुल भीड़ हो रही है, आगे भी पीछे भी सब जगह। देखो फूल, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अभी सुबह खिलेंगे ये सारे, रात को मुरझा जाते हैं। यहाँ की लोकेशन देखो आप कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल मस्त वाली लोकेशन है, एक नंबर की। यहाँ पे पेड़ पौधे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। और यहाँ पे देखो ये जाओगे, गर्मी हो रही है, ये देखो कुत्ते भी सैर करने आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, देखो सारा मच्छर मच्छर हो रहे होंगे। बनियान गाइस, बनियान वो तो मैं काटूंगी, एडिट करूंगी तो। और ये देख लो हमारे लूसी, नाश्ता खाने को तैयार हो रही है, खाना खाने के लिए सारे देख लो। पहले मोटी खाएगी, फिर जिमी खाएगी, फिर लूसी खाएगी। लूसी भाज गई भाई, ये देख लो भाज गए भाई सारे खाना खाने के लिए, ये देख लो भाई। ना मारी मछलियां ने खाना डाल दिया, मछलियां तो यहाँ पे मछलियां रख रखी हैं एसी के नीचे। पहले बार थी वो मर जाया करती गर्मी में, नहीं ये बेसी के नीचे ही सारी ज़्यादा ठीक ठाक रह रही हैं। हमने पहले फ्रिज था यहाँ पे, ज़्यादा खुआ दे बेचारी खा लो, बारह बारह थी ना। हैं क्यों रहा है, देखो कुकर बैठ गई है जूली, ए जूली खाली आ गए में। ओ देख ले या नखरे सड़ी खाना रही है, चुक चुक कन है पिंजरे में, गाय देना पड़ा नहीं। लूसी देख लो बाट में बैठी है, कसी के मन मिलेगा खाना है लूसी। ओ देख ले खा लेंदे ड्राया नु, ए खा लेंदे तने मिलेगा खाना चाहिए है, मिलेगा तने भी। बोल लूसी खान लो, आराम से खा ले, आराम से खा ले। ये देख ले, ये देख देख बेसब्री खान दी कोनी गबड़न लग रही है। ए जूली आराम से खा ले, खुश है तेरा कोई है, खुश तो हो रहा है, खुश नहीं मुंह रखा इन्हें पर गिर लड़ाई, तारी बड़ी लड़ाई हुआ है, एक न मिला तो दूसरी उसका खंडर भज जाए। वो देख कुकर देखने रही है, तने मिलेगा पहले बच्चों को, तू तो माँ है, बाद में मिलेगा माँ को, माँ को बाद में मिलता है लूसी। क्यूट सी यह सब सबूत है, ए जिमी क्या कर रहे हो, रात को मानी तो सोते हो डेली। क्या टाइम हो गया, टाइम क्या हो गया, खा लिया तूने खाना, वो भाई जिमी ने खाना खा लिया, देखो ये लग रही है जिमी खाना खाने। मछलियों को दे दिया आपने, मछलियों को दे दिया खाना, मछलियों को दे दिया क्या, और देख मछलियों को दूंगा ना खाना, कैसे आएंगी पूछ पूछ के। देखो
कितने, छह है क्या? अच्छा दो तो एक जैसे नहीं है वो, एक कहाँ, एक दिख नहीं रही, एक तो गाइज वरदान भी आ चुका है मुस्कान के घर से, क्योंकि मुस्कान के पास गया हुआ था और दो तीन दिन के बाद आया ही और अंदर बैठा है। मोबाइल में ध्यान है, पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। तो वो अंदर बैठ के मोबाइल देख रहा है, होगा मेरी शिकायत करा जाता, ठीक है। और इसी ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर लो फटाफट से जाके, सुनीता जांगड़ा 1234 है मेरी आईडी, और जाके फॉलो कर लो फटाफट से जाके। गाइज गुड नाइट गाइज।